What is up drummers, welcome back to another video। और आज हम बात करने वाले हैं पांच चीज़ों की जिनकी आपको ज़रूरत है एक अच्छे क्वालिटी का ड्रम कवर या कहें तो एक अच्छे क्वालिटी का ड्रम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। एंड ये आप अपने घर पर ही कर सकते हैं या अपने होम स्टूडियो पर भी। तो ये पांच चीज़ें आखिर हैं क्या, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं हूँ डॉक्टर ड्रमर एन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप नोटिफाइड हो जाएं। एंड डेली शॉर्ट्स या रील के लिए जो कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड करता हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। तो स्ट्रेट अवे बात करते हैं पहली चीज़ की, जो कि है एक कंप्यूटर। आपको किसी भी तरह की एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो लैपटॉप हो या पीसी हो, एंड चाहे वो iOS पे रन करे या तो विंडोज़ पर। ये सारी चीज़ें जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड होगा हमारे कंप्यूटर पे। एंड हम कंप्यूटर पे इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में उसे मिक्स करना या पोस्ट एडिट करना हमारे लिए पॉसिबल हो। इनिशियली बस ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए या मिक्स करने के लिए आपको उतने हाई स्पेसिफिकेशन की कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक 4GB रैम और i3 प्रोसेसर या उसके ऊपर का कोई भी प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। तो PC हो या लैपटॉप, मिनिमम 4GB, i3 के ऊपर का कोई भी प्रोसेसर एंड SSD अगर हो तो बहुत ही बढ़िया। सेकेंड चीज़ जो है वो है माइक्रोफोन्स। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने ड्रम रिकॉर्डिंग को कितने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आप अगर चाहें तो एक सिंगल माइक्रोफोन पे भी अपना ड्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो इसे मल्टीपल माइक्रोफोन्स, जैसे कि आप अक्सर देखते आए हैं 5 या 6 या 8 माइक्रोफोन से आप अपने ड्रम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब माइक्रोफोन्स होते हैं दो तरीके के, एक है कंडेंसर एंड दूसरा है डायनामिक माइक्रोफोन। तो आपको थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप माइक्रोफोन्स उस हिसाब से चूज़ कर पाएँ। कंडेंसर माइक्रोफोन्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड वहीं के वहीं डायनामिक माइक्रोफोन्स थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप अपने ड्रम्स को क्लोजली माइक कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा डायनामिक माइक्रोफोन्स पे जाने के लिए। एंड अगर आप ओवरहेड्स या रूम माइक के लिए कोई माइक्रोफोन चूज करना चाहते हैं तो उस केस में मैं चाहूंगा कि आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन चूज करें। मैं फिलहाल बस 2 माइक्रोफोन से अपने ड्रम कवर्स या ड्रम ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूं एंड ये काफ़ी सिंपल होता है मेरे लिए। मैं ओवरहेड के लिए एक कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करता हूं एंड मैं एक माइक्रोफोन प्लेस करता हूं डायरेक्टली अपने किक पे जो कि एक डायनामिक माइक्रोफोन है। तो आप अगर मेरी तरह 2 माइक्रोफोन सेटअप करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 माइक्रोफोन हाईली सजेस्ट करूंगा। पहला तो जो मैं यूज करता हूं वो है AKG का P120 जो कि एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, एंड दूसरा माइक्रोफोन भी एक काफी पॉपुलर माइक्रोफोन है जो कि है ऑडियो टेक्निका का AT2020। एंड आप अगर अपने ड्रम्स में एक स्टीरियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप मैच पेयर भी यूज कर सकते हैं एज एन ओवरहेड। अगर आप बजट में ओवरहेड माइक्रोफोन्स ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सैमसंग का CO2 या तो आप रोड का MP5 MP भी ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है ओवरहेड पे स्पेंड करने के लिए तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा लेविट का 040 मैच्ड पेयर। अगर आपको 4 माइक्रोफोन सेटअप करना है अपने ड्रम्स के लिए, जिसका मतलब एक बेस ड्रम पे, एक स्नेयर पे और 2 ओवरहेड्स, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्नेयर ड्रम माइक्रोफोन के लिए, एंड उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर माइक्रोफोन है श्योर का SM57 जो कि कभी भी आपको एक गलत साउंड या कहे तो एक बहुत ही पुअर क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड नहीं करेगा। तो स्नेयर के लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा श्योर का SM57, या अगर आपका बजट थोड़ा बहुत कम है तो आप AKG का D40 भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको किक ड्रम के लिए माइक्रोफोन्स की जरूरत है तो जैसा मैं यूज करता हूँ सेनहाइजर का E602, ये काफी अच्छा माइक्रोफोन है एंड काफी प्रोफेशनल्स इसे यूज करते हैं, बट ये थोड़ा बहुत ऑन द कॉस्टलियर साइड है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप AKG का P2 भी यूज कर सकते हैं जो कि एक डेडिकेटेड बेस ड्रम माइक्रोफोन है एंड काफी अच्छा लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो अगर आपने अपना माइक्रोफोन चूज कर लिया है तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है ऑडियो इंटरफेस। ऑडियो इंटरफेस आपके माइक्रोफोन से लिए हुए साउंड सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है ताकि आपका कंप्यूटर उन्हें रीड कर पाए, एंड बाद में हम उन सिग्नल्स को लेके जो कि ऑलरेडी डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसफर हो चुके हैं हम उन्हें एडिट कर पाए। एंड अगर आप अपने सेटअप में कंडेंसर
माइक्रोफोन्स यूज कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रहे कि कंडेंसर माइक्रोफोन्स को एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत होती है काम करने के लिए, एंड आप लगभग हर ऑडियो इंटरफेस में एक 48 वोल्ट्स का फैंटम पावर का एक स्विच होता है वो देख पाएंगे। वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर से 48 वोल्ट्स का पावर लेके माइक्रोफोन्स को प्रोवाइड करता है ताकि माइक्रोफोन्स वर्क कर पाए। तो बिना फैंटम पावर के या कहें तो बिना ऑडियो इंटरफेस के आपके कंडेंसर माइक्रोफोन्स काम नहीं करेंगे। तो अगर आपको कंडेंसर माइक्रोफोन्स यूज करना है तो आपको एक ऑडियो इंटरफेस की जरूरत जरूर से पड़ेगी, एंड ऑडियो इंटरफेस काफी जरूरी है जैसा कि मैंने कहा साउंड सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऑडियो इंटरफेस की एक बात आती है, इसमें इनपुट्स का आपको चॉइस मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि आपको डिसाइड करना है कि आप अपना ड्रम्स कितने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सपोज आप मेरी तरह अपना ड्रम्स बस दो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक टू चैनल ऑडियो इंटरफेस की। टू चैनल ऑडियो का मतलब है आप साइमल्टेनियसली दो माइक्रोफोन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको फोर माइक्रोफोन्स के साथ अपने ड्रम्स को रिकॉर्ड करना है, जैसे कि टू ओवरहेड्स, एक किक के लिए और एक स्नेयर के लिए, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी फोर चैनल ऑडियो इंटरफेस की या तो उससे ऊपर का, अगर आप इन फ्यूचर अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने चॉइस का इनपुट चूज कर ले, मतलब कितने चैनल्स आपको चाहिए वो चूज कर ले, फिर आप या तो प्रीसोनस या तो फोकस राइट जैसे इंटरफेस को यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप बेरिंजर भी देख सकते हैं, ये भी आपको एक डिसेंट क्वालिटी का ऑडियो इनपुट प्रोवाइड कर सकता है। तो फोर्थ चीज जो हमें चाहिए है वो है एक डॉ, मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। अगर इन चीजों के बारे में आपको इन डेप्थ जानना है तो हाउ टू रिकॉर्ड ड्रम कवर बोल के मैंने एक सीरीज बनाया था, 3 वीडियो का एक छोटा सा सीरीज, जिसमें मैंने इन डेप्थ डिस्कस किया है आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है एंड माइक्रोफोन्स का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए एंड एक डॉ कैसे यूज़ करें या मैं अपने ड्रम्स कैसे मिक्स करता हूँ। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को देखें, लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो बात करते हैं डॉ की। डॉ एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा, एंड आप जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे वो डॉ में होता है, एंड अगर हम एडिट करना चाहें या तो कहें टेक्निकली हम उसे मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी डॉ में ही पॉसिबल है। तो अगर बात करें एक परफेक्ट डॉ चूज करने की तो इसके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है ऑलरेडी इंटरनेट पे, मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहूंगा, बट मैं पर्सनली यूज करता हूं FL स्टूडियो, एंड मैं सबको यही कहता हूं कि डॉ से उतना खास फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि हर डॉ में वो पैरामीटर्स मौजूद हैं जिन्हें यूज करके आप अपना ऑडियो मिक्स कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि वो पर्टिकुलर डॉ उन पैरामीटर्स को कैसे अप्रोच कर सकता है। डॉ के लिए आप FL स्टूडियो, एबल्टन लाइव, प्रो टूल्स, ऑडेसिटी, रीपर, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है डॉज की। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें कि आपको किस डॉ पे कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि हर डॉ को ऑपरेट करना काफ़ी डिफरेंट होता है। तो थोड़ा बहुत आप रिसर्च करिए कि आपके हिसाब से कौन सा डॉ कंफर्टेबल है, एंड उसके बाद आप अपना डॉ चूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप कुछ ऑडियो इंटरफेसेस ले रहे हैं जैसे कि प्रीसोनस या फोकस राइट का, उसके साथ आपको फ्री डॉ भी मिलता है, जैसे कि फोकस राइट आपको एबल्टन लाइव का लाइट वर्जन प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी सारे प्लगइन्स का बंडल्स भी प्रोवाइड करता है जो कि मिक्सिंग में बहुत ही हेल्पफुल है। फिफ्थ चीज़ की अगर बात करें तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद। आपने जब ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है तो मिक्स करने के लिए आपको किसी सॉर्ट ऑफ स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तो वो ओवरहेड मॉनिटर्स हो या ओवरहेड हेडफोन्स हो या तो मॉनिटर स्पीकर्स हो। इन स्पीकर्स या हेडफोन्स के थ्रू आप अपने ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं। अब नॉर्मल हेडफोन्स एंड स्टूडियो हेडफोन्स या स्टूडियो स्पीकर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि नॉर्मल स्पीकर्स या हेडफोन्स जो हम यूज़ करते हैं उन्हें कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जाता है सर्टेन फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करके ताकि वो ऑडियो हमें ज़्यादा अच्छा लगे। बट जो मॉनिटर्स या स्पीकर्स हम एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस काफ़ी हद तक फ्लैट रखा जाता है ताकि हमें ट्रू फ्रीक्वेंसी सुनाई दे एंड एडिटिंग में हम उन्हें एग्जैक्टली जज कर पाएँ और एडजस्ट कर पाएँ। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का मिक्सिंग पाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टूडियो क्वालिटी ओवरहेड ईयरफोन्स या तो स्टूडियो मॉनिटर्स यूज़ करें। तो ओवरहेड स्टूडियो हेडफोन्स के लिए जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ ऑडियो टेक्निका का M20X या तो M30X भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि स्लाइटली और भी अच्छा है, या तो अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वोल्ट का 680HD प्रो एंड सेनहाइजर का 200HD प्रो यूज़ कर सकते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी काफ़ी हद तक न्यूट्रल है। याद रखिए हेडफोन्स और मॉनिटर्स में न्यूट्रल फ्रीक्वेंसीज या तो कहें फ्लैट
दैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी ज़रूरी है। तो बस यही पांच चीज़ें एसेंशियल हैं आपको ड्रम रिकॉर्डिंग करने के लिए, एंड यही चीज़ें हैं जो आप इवेंचुअली अपग्रेड करते जाएंगे एंड आप रिकॉर्डिंग या मिक्सिंग सीखते जाएंगे, एंड आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको किस चीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। या तो आप टाइम के साथ इवेंचुअली डॉ को और भी अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे, एंड इन सब चीज़ों से आप घर पर ही एक स्टूडियो क्वालिटी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने ड्रम्स के लिए या तो अपने ड्रम कवर्स के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, एंड अगर आपको फर्दर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 100% हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स देता हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड कीप ड्रमिंग।